दादा मौजूद है तो हम इनसे पूछते हैं इनकी ईद कैसी गुजरी, आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत प्यारी, बहुत मजा आया। मैं अपने पोते पोतियों के साथ, अपने बेटों के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुओं के साथ बहुत अच्छा। इस वक्त हम जा रहे हैं दादा के घर और उधर आज हमारी दावत है, तो अब हम उधर दादा के घर जा रहे हैं। देखिए हम पहुंच गए हैं दादा के घर। इस वक्त हम पहुंच गए दादा के घर, तो चले चलते हैं। आज हमारे दादू ने हमें गोल गप्पों की पार्टी दी है। आज पापा गोल गप्पे की फ्राई कर रहे हैं, मसाला भी बना हुआ है गोल गप्पों का, ये भी बहुत अच्छे बॉईल है। हम इनको मिक्स करेंगे, खस्ता गोल गप्पे है। देखे व्यूअर्स, देखे चने और मसाला मिक्स कर रहे हैं। शराज पापा गोल गप्पों की सेटिंग बना रहे हैं, पापा जो है वो गोल गप्पों की भराई करने लगे हैं। शराज भाई मेरे मुंह में पानी आ गया, पानी पापा के मुंह में भी आ गया पानी। दादा एक और चटनी ले आई है, बड़ा मजा आ रहा है, लगा बहुत मजे के गोल गप्पे बनने लगे हैं। दादू ने बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है, बड़े शानदार किस्म के गोलगप्पे बन गए, बहुत अलग किस्म की चाट बन गई, आज फुल टाइम ईद इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा, बच्चा पार्टी बहुत इंजॉय करेगी। व्यूअर्स जी देखें दादू ने कितने ज्यादा गोलगप्पे बनाए हैं। नाज़रीन हमारी दादू ने गोलगप्पों की पार्टी की है, जिसके अंदर गोलगप्पे, चना चाट, दही भल्ले और कोल्ड ड्रिंक भी शामिल है। इस वक्त हमारे साथ खड़ी है अलीहा, तो हम लोग इनसे भी बातचीत करते हैं। अलीहा आपने ईद कैसी गुजारी? आपको किस किस ने ईदी दी, आपने कितनी ईदी जमा की? मुझे मेरी खाला ने दी, मेरे बाबू ने दी और मेरे खालसा ने दी। आप जो देख रहे हैं आप फ्रेंड, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर आप स्कूल जाती हैं उनका नाम क्या है? नारे। आपके दोस्त उनके नाम क्या है? विमल, जैनब। आप उनको क्या कहना चाहेंगी? ईद मुबारक। विमल हमारे साथ है ज़ारा और ज़ैनब, हम ज़ारा से पूछेंगे ज़ारा की ईद कैसी गुजरी। ज़ारा आपकी ईद कैसी गुजरी? मैं अपनी नानों के घर गई थी और मैं अम्मा नाऊ गई थी और पान गई थी और मैं नहीं कटी और किस किस ने दी? मुझे मेरे मामू ने दी थी, मेरे अम्मू ने दी थी, मेरी खाला ने दी थी और मेरी मामी ने दी थी मुझे। और अब हमारे साथ है बता दो, हम इनसे पूछेंगे कि इनकी दी कितनी कटी। मैं बता बताया दी कितनी कटी। हमारे साथ है मोहम्मद हुसैन, ये भी एक एंकर है, तो हम इनसे पूछते हैं इनके पास एंकर हुसैन आपके पास कितनी टिकट हुई? मेरे पास 1100 रुपया। और ये सोच टीवी का एंकर है, पापा ने दी, मम्मा ने दी, बड़ी मम्मा ने दी, आयशा भी ने दी, हर महीने दी और गुल्लू भाई ने दी। सही महीने इधर गुजारी और कहाँ कहाँ गए? मैंने पहले ईद की नमाज पढ़ी, मैंने पहले ईद की नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं घर आया, उसके बाद मैं दादू के गया, उसके बाद मैं बड़े दादू के गया, उसके बाद मैं फूफा के गया, उसके बाद मैं
उसके बाद मैंने ईदी ली सारों से, पहले मैंने पापा से ली, उसके बाद मैंने मम्मा से ली, उसके बाद मैंने मामू से ली, उसके बाद मैंने नानो से ली, नानो के घर भी मैं गया था और पार्क भी गए थे, नानो के घर भी गए थे और दादू के घर भी गए थे और हमने सारों से ईदी ली, पापा से ली, मम्मा से ली, बड़ी मम्मा से ली, आयशा से ली, बाबा से ली, चाचू से ली और हमने सनी भाई से भी ली, शिराज भाई से भी ली, बड़े बाबा से भी ली और हमने दादू से भी ली, हमने बड़े दादू से भी ली, फिर हमने फूफो से भी ली। पापा से मिली, फिर मम्मा से भी मिली, फिर मुझे दादू से मिली, फिर इतना करके जितने भी रिश्तेदार हैं उनने भी दी ठीक है। फिर हम लोग सैर करने नाना ही घर गए, नाना ही घर जाके फिर हम लोगों ने वहाँ पे भी मुझे मेरे नाना भी ने दी, मेरे नानों ने, खालाओं ने, जितने भी खाले उनने दी, मेरे मामू ने दी ठीक है, और मेरे जितने बड़े बड़े कजन हैं उनने भी दी, तो बड़ा मज़ा है मेरे नाना के घर। फिर उधर से हम लोग दूसरे अपने खाले घर गए, वहाँ भी बड़ा मज़ा है। ये ईद मेरी बड़ी अच्छी गुजरी है और ये ईद मेरी बड़ी यादगार रही। नानों के घर गए थे हम अपने, और हम अपने खाला के घर गए थे, और हम अपने पार्क गए थे। हमारे साथ है मोहम्मद हसन, तो मोहम्मद हसन जी बहुत अच्छी गुजरी है, तो अब इनसे सुनते हैं रेन रेन गो अवे। मुलाकात हो जाती है, फिर मैंने इस तरह ख्याल आता है और मैं इस तरह का काम करती रहती हूँ, छोटे मोटे काम, कोई साल गिरा कर ली, कोई मुलाद गिरा लिया, फिर कोई नाते पाल लेते हैं, फिर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये काम बहुत अच्छी है। प्रोग्राम में जो आपको देख रहे हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? तो ये कहना चाहूंगी कि आपस में मिल बांट के बैठे, थोड़ी सी जिंदगी है, एक दूसरे से मुलाकात करें, बच्चों से प्यार करें, बड़ों से प्यार करें, अपने बहन भाइयों से, सबको अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ताला सबको ढेर सारी खुशियां दे। हमारे साथ आपके हैं तो हम इनसे पूछेंगे कि इनकी कैसी गुजरी है, ये कहाँ कहाँ गई और कितनी ईद इकट्ठी हुई इनके पास। जी आपकी मेरी बहुत अच्छी गुजरी और मैं नानों के घर गई थी, मामू से गई थी और मेरे पास बहुत सारी ईद इकट्ठी हुई और मैं सेवर पे भी गई थी और बाहर भी गई थी और मेरे मम्मा पापा ने, मेरे मामों ने, मेरी मामियों ने, सालों ने बहुत सारी। आप सब देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे ईद मुबारक? गोल गप्पे फ्राई करके कैसा लग रहा है?
जी तो आपको हमारी वीडियो